आपकी क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट यूनिट का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो यूनिट है आपकी बहुत छोटी सी यूनिट है, इस यूनिट के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछी जाती है। तो एक छोटी सी यूनिट 6 मार्क्स की है तो आप इसे इजीली कवर कर सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन आपके कंपटीशन के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जर्नली ऐसा होता है कि रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके किसी दूसरे यूनिट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन का लॉजिक अच्छे से क्लियर है तब आप कंपटीशन में अदर यूनिट्स के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शंस की फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उनका डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पूछी जाती है। तो आपको इस चैप्टर के लॉजिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपके कंपटीशन के लिए, लाइक जी मेंस एंड बोर्ड के लिए। हमें इस यूनिट को इसीलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यूनिट बहुत छोटी है, ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने ही नहीं हैं। साथ में इस यूनिट से या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन से इस यूनिट से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चंस या 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, अदरवाइज सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का होगा वो पूछा जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने आइडिया ले लिया कि एग्जाम में इस यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे या फिर ये यूनिट कंपटीशन के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या रीड करना है। हम इस यूनिट को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका रिलेशन, सेकेंड पार्ट फंक्शन एंड थर्ड पार्ट बाइनरी ऑपरेशन। तो इस टोटल यूनिट को हम 3 सेक्शंस में रीड करेंगे। तो आपके पहले सेक्शन रिलेशन की बात करते हैं। हम पहले रीड करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। आप अपनी डेली लाइफ में रिलेशन वर्ड को बहुत बार यूज करते हो, अब मैथ्स में इसे कैसे यूज करेंगे हम वो रीड करेंगे। तब हम रिलेशन की डेफिनेशन को सीखेंगे, रिलेशन से रेंज, रिलेशन का डोमेन कैसे कैलकुलेट करना है वो सब सीखेंगे। जर्नली रिलेशन से रिलेटेड सिंपल रिलेशन के रेंज को निकालना या सिंपल रिलेशन के डोमेन को कैलकुलेट करने से रिलेटेड हमारे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 2003 में एक रिलेशन के डोमेन को कैलकुलेट करना आया था। देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम टोटल 7 टाइप्स के रिलेशन को पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट टाइप है वॉइड रिलेशन। आप लोगों ने 12th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है सॉलिड स्टेट, उसके अंदर आप लोगों ने वॉइड नाम एक रीड किया है। वॉइड का मतलब होता है खाली स्पेस, वॉइड रिलेशन भी उसी से लिंक करेगा। तब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन पढ़ेंगे वॉइड रिलेशन, फिर इसका जस्ट उल्टा यूनिवर्सल रिलेशन को रीड करेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो वॉइड, यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी, इन 3 रिलेशन को पढ़ने के बाद हम 3 रिलेशंस और पढ़ेंगे जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। पूरा रिलेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये 3 रिलेशन है। अब वो 3 रिलेशन आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके कंपटीशन के लिए भी। जर्नली रिलेशन से अगर क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं तो वो इन्हीं 3 टॉपिक से हुए हैं।
अब वो आप बोर्ड की बात करो या आप कंपटीशन की बात करो, तो उन तीन रिलेशन का नाम जो इतने इम्पॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो ये तीन जो रिलेशन हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन तीनों से रिलेटेड एक और रिलेशन है जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर ये जो रिलेशन बन रहा है इसे रीड करेंगे कि इन तीनों की क्या क्या कंडीशन है, ये तीनों रिलेशंस कैसे बनते हैं। एंड आप देखिए, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो 2020 में इन तीनों से रिलेटेड एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, एंड 2020 में ही 4 मार्क्स से भी एक क्वेश्चन इससे आया। साथ में आपके 2018 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं तीनों से रिलेटेड पूछा गया। अगर आपके कंपटीशन की बात करते हैं तो 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में इन्हीं तीन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आपके जेई मेंस में पूछा गया है। तो ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप बचता है रिलेशन का, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये टोटल 7 टाइप्स के रिलेशंस को हम रीड करेंगे, एंड देन आपका रिलेशन टॉपिक खत्म। मैंने कहा कि यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, यूनिट बहुत छोटी है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक छोटे से चैप्टर को कंप्लीट करके अपने बोर्ड में 6 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो ये टॉपिक हुआ रिलेशन का कंप्लीट। अब हम अपने सेकंड टॉपिक फंक्शन के तरफ चलेंगे। हमें रीड करना है कि फंक्शन क्या होता है, कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा। साथ में हम थोड़े से 11th क्लास के फंक्शंस को भी रीड करेंगे, जैसे आप लोग कांस्टेंट फंक्शन रीड करोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रीड करोगे, लॉगरिथम फंक्शन को रीड करोगे, स्क्वायर फंक्शन को रीड करोगे, मोड फंक्शंस को रीड करोगे, और हम बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को रीड करेंगे जिनके रेंज एंड डोमेन को कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन के डोमेन को कैलकुलेट करना जेई मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा गया। आप देखिए 2002 में, 2003 में 2 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड थे, 2004 में, 2007 में। इस तरह से जेई मेंस में इन फंक्शन के डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा गया है। तो कंपटीशन के पर्पस से इन फंक्शंस को अच्छे से रीड करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देन हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। अब आपके फंक्शंस टोटल 4 टाइप्स के होंगे। पहला होगा 1-1 फंक्शन, सेकेंड है मैनी 1 फंक्शन, थर्ड है ऑन टू फंक्शन, एंड फोर्थ है 1-1 ऑन टू फंक्शन। जिस तरह से रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थे, 3 टाइप्स के रिलेशन बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इसी तरह से आपके ये चारों फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए भी और साथ में आपके जेई मेंस के लिए भी। देन हम इन चारों फंक्शन को रीड करके नेक्स्ट चलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पूरे चैप्टर का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को कैलकुलेट करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, जिसमें हम लोग GOF एंड FOG कैलकुलेट करना सीखेंगे। इससे रिलेटेड बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसी की हेल्प से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन को रीड करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ेंगे
दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। हम यहाँ पे रीड करेंगे कि आपका फंक्शन कब इन्वर्स किया जा सकता है और हम फंक्शन को इन्वर्स करना भी सीखेंगे। ये टॉपिक आपके लिए फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्वर्टिबल फंक्शन, आपके बोर्ड के लिए भी और आपके जेई मेंस के लिए भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस यूनिट में जो टॉपिक्स आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है वही टॉपिक्स आपके जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट हमें डेफिनेशंस रीड करना है और टाइप्स को रीड करना है। तो इस तरह से आपका फंक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद एक और चीज़, इन्वर्टिबल फंक्शन देखिए 2020 में पूछा गया, 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया एंड 2017 में 6 मार्क्स से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इन्वर्टिबल फंक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड सेक्शन आएगा इस यूनिट का, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हम बहुत सारे ऑपरेशंस को रीड करेंगे और साथ में सीखेंगे कि उन बाइनरी ऑपरेशंस को कैसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। ये टॉपिक 2018 तक या 19 तक बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसके बाद 2020 में से डिलीट कर दिया गया सिलेबस से। तो 2019 तक ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, जिसे आप देख सकते हैं 2018 के अंदर 1 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से था। 2017 में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे, इसमें और एक दूसरा टॉपिक था, उन दोनों को मिक्स करके आया था। एंड 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से था। अगर आप जेई मेंस की बात करते हैं तो 2010 में एंड 2012 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपके यूनिट 1 में टोटल 3 सेक्शंस हम रीड करेंगे, रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट छोटी है, जो 6 मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेगी।